हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे फिजिक्स केम एकेडमी में स्वागत है। इस फिजिक्स केम एकेडमी नाम के चैनल से हम आप सभी लोगों की आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और जो कि फ्री ही है। और इस चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, आपको क्वेश्चंस और सारा मटेरियल मिलता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं फिजिक्स के टॉपिक्स लेता हूँ यहाँ पे। और अब तक अगर मैं बात करूँ तो मैंने ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स को ख़त्म किया, उसके बाद मैं एटॉमिक फिजिक्स को कंप्लीट किया, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट किया, इन तीनों के बाद काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे टोटल पांच टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। और इसी मॉडर्न टॉपिक फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक था एसटीआर का। अब ये टॉपिक जो है वो मैं ले रहा हूँ, जिसमें से एक वीडियो कल आपने देख लिया होगा, ऐसे आशा करता हूँ। और आज के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और आने वाले वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो अब तक अगर कुछ आपको डाउट्स आता है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो ग्रुप्स है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो या टेलीग्राम के ग्रुप्स हो, आप वो ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ चीज़ें हैं, आपको कुछ सुझाव है, तो आप भी आप कर सकते हो, बता सकते हो, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने इन सारे टॉपिक्स के लिए आपको कुछ होमवर्क दिया था, कि आपको फॉर्मूला बुक बनानी थी और पीवाईक्यू बुक बनानी थी। जो लोग मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं, आशा करता हूँ कि उन लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया होगा। और जैसे आप अगर एक एक टॉपिक के फॉर्मूला नोट्स और पीवाईक्यू बनाते हो, तो आप मेरे साथ उनको शेयर भी कर दिया करो, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल के लेक्चर्स में हमने बेसिक से पोस्टुलेट्स देखे थे, कि थर्मो मतलब एसटीआर के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइम डायलेशन क्या होता है, और इसी के साथ साथ हमने डॉपलर इफेक्ट और वो सारी चीज़ें भी देखी थी, उसके फॉर्मूले देखे थे और चीज़ों को समझा था। आज हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ट्विन पैराडॉक्स का। तो ट्विन का मतलब आप जानते हो, और पैराडॉक्स का भी मतलब आप जानते हो। तो यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि बेसिकली थोड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट ही ज़्यादा है ये, कि दो बंदे लिए या भाई बहन लिए, कि जो सेम एज के थे, मतलब ट्विन से थे, ठीक है, जो एकदम दिखने में भी सेम थे और हाइट में, वेट में और एज में भी सेम थे। ऐसे लोगों दो लोगों को लिया जिनका एज सेम था। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक बंदा जो है वो अर्थ पे रहा, और एक को हमने स्पेसशिप में डाल के भेज दिया स्पेस में, और कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद उसको रिटर्न अर्थ पे लाया। तो जब इन सबके बीच कैलकुलेट किया, तो पता चला कि जो अर्थ पे बंदा था उसकी एज जो है वो ज्यादा थी। कि अगर इसकी एज में, अगर एक ही एज मानू, तो एक ही एज बी से ज्यादा थी, और ये थोड़ा बूढ़ा दिखने लगा था, जबकि ये उससे कंपैरिजन में काफी यंग लग रहा था। तो यही चीज है ट्विन पैराडॉक्स की। ये काफी अच्छा स्टेटमेंट बायदर में लिखा था, कि अ लॉन्गर लाइफ बट विल नॉट सीम्स लॉन्गर। कि जिया तो वो पूरा ही है, उसने अपनी लाइफ पूरी, मतलब अगर एट दैट मोमेंट, अगर वो 20 साल की एज में उनको सेपरेट किया था, और 50 साल बाद अगर वो आते हैं, तो दोनों की एज 70 ही है, दोनों 70 साल ही जिए हैं। लेकिन जो स्पेस शिप में था और जो ट्रेवल करके आया है, उस बंदे को अपनी एज
50 साल की महसूस हो रही है। उसने भले 70 साल जिया है, लेकिन उसको महसूस 70 साल 50 साल ही हो रहा है, जबकि जो अर्थ पे था उसने पूरे 70 साल उसको महसूस हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में भी रिलेटिविटी नहीं, जैसे आपको ये चीज पता है, E इज इक्वल टू बी सी और समथिंग, इस तरह के फॉर्मूले EMT में आपको काफी दिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जिनको जोड़ता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, इसकी हेल्प से हम इन चीजों को कनेक्ट करते हैं। और ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला निकल के आता है मोमेंटम का, वो आता है एम वी। तो एम वी जो है, अब यहाँ पे क्या है, आपका मास जो है वो वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। इस एम की जगह पे आप इसको एम वी बाय √1 - v² / c², यहाँ 1/√1 - v² / c² को आप लिखते हो गामा, और v/c को लिखते हो आप बीटा। इसी को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको निकल के आता है फोर्स का फॉर्मूला इस फॉर्म में। इसमें एक और कंडीशन भी आती है, मतलब तो दो तीन कंडीशन है काफी, लेकिन जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही ध्यान रखना है। और अभी जो कल हमने जब टॉपिक के डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो जो बात चल रही थी कि एनर्जी और मैटर का इक्विवेलेंस जो है, तो वो अब हम देखेंगे। जब हम क्लासिकली देखते हैं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी ½mv² तो, और हम लोग देखते हैं कि एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के प्रपोर्शन में है, अगर कोई मास में कांस्टेंट लेता हो तो, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन मेरा एम कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई रेस्ट पे था, अगर उसका 10 kg वेट था और उसने मोशन परफॉर्म की, तो ड्यूरिंग मोशन भी उसका वेट 10 kg था, मोशन के फाइनल में भी 10 kg था। उसकी वेलोसिटी भले ही इंक्रीज हुई है और फिर डिक्रीज हुई है, तो लेकिन हम मास को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो एनर्जी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो वेलोसिटी पे। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो mgh, g मेरा कॉन्स्टेंट है, m मेरा कॉन्स्टेंट है, और ये टोटली डिपेंड करता है हाइट पे। लेकिन अब यहाँ पे रिलेटिविटी में ये चीज निकल के कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उनका रिलेशन ये निकल के आता है E = mc² या आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर mc² - m0c² γmc² ये चीज रिलेटिविटी ने फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट आपको ध्यान में रखनी है, और ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे पहली चीज है कि अगर मैं 1 kg सब्सटेंस को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 9 × 10⁻⁶ जूल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि E बराबर क्या होता है आपका mc² m की जगह 1, तो c² जो आएगा वही आपकी एनर्जी रहेगी। जब आप 1 किलो डायनामाइट को एक्सप्लोड करते हो, मतलब एक बॉम्ब अगर फोड़ते हो, और उसके बाद इनिशियल मास तो आपको पता था 1 kg है, उसके एक्सपोजर के बाद अगर आप हर चीज उसकी कलेक्ट करते हो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको पूरा मास मिल जाएगा, लेकिन 6 × 10⁻¹ⁱ इतना मास आपको नहीं मिल पाएगा। जब आप एकदम माइक्रो लेवल पे उसको कलेक्ट करते हो सेपरेट करके, तो इतना मास आपको नहीं मिल पाता है, और इतना मास मतलब 5 मिलियन जूल इतनी एनर्जी होती है। इसके बाद न्यूक्लियर में आपने देखा है कि सोलर एनर्जी जो होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आपको सब एनर्जी मिलती है वहां पे, तो वहां पे जो एनर्जी मिलती है तो वो है जो रेट से आती है पावर अर्थ पे, वो है 1.4 kW पर स्क्वायर मीटर। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये सब चीजें आती हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें जैसे देखनी है कि सन का मास, अर्थ का मास, मीन रेडियस जो ऑर्बिट की है, तो इन सब के बीच जो सन से आपको एनर्जी मिलती है सब, तो इस एनर्जी की वजह से सन का मास भी कम होता रहेगा,
सन कहाँ से एनर्जी दे रहा है? वहां पे हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है और उसी के बीच में एनर्जी निकल रही है। यही तो होता है। तो अगर हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली इसमें कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है जब भी लाइटर एलिमेंट हीवियर में बाइंड होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो टोटल मास डिफेक्ट में कुछ एनर्जी आती है। तो मतलब इसका यहाँ पे जो मास होगा वो थोड़ा कम होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को आप ऐड करके अगर एक हीलियम बनाते हो तो वहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब यहाँ पे मास कम है। Hg का मास जो है वो कम है 4 हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब सन अपना मास कम कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली कम हो रहा है उसका मास। तो वो कितना मास रिड्यूस करते जा रहा है, लूज करते जा रहा है। ओरिजिनली सन का मास है 2 × 10⁻³० kg, और वो जो ये पावर जनरेट करता है उसमें 4.4 × 10⁻⁹ kg पर सेकंड इतना वेट लूज करता है। देखने में ये काफी बड़ी अमाउंट लगती है, लेकिन 10⁻³० के कंपैरिजन में ये मास कुछ भी नहीं है। और ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है ऐसे फॉर्म में, ये जो यहाँ पे इतना लिखा है इसी फॉर्म में, और ये सब चीजें आपको पता है। तो ये चीज, ये नंबर आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि कितने हेलियम प्रोड्यूस होते हैं। तो 10⁻³७ हेलियम प्रोड्यूस होते हैं इस फ्यूजन के प्रोसेस में। और एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काफी सारे फॉर्मूले हैं जिनका आपको प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, आपको इस चीजों को डायरेक्ट देखना है। ये सब चीजें छोड़ सकते हो आप, ये सब काफी कुछ लिख के रखता हूं मैं। उसके बाद होता है मासलेस पार्टिकल, या फिर आप बोल दीजिए फोटोन की बात करें। तो फोटोन के केस में आपको पता है कि उसका जो है मास नहीं होता है। जब उसको मास नहीं होता है तो इस रिलेशन से आप क्या लिख सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो होगी वो सीधे पीसी हो जाएगी, मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप काफी अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली वो एनर्जी होती है जो 1 इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल के माध्यम से मिलती है। बस ये उसका स्टैंडर्ड है। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका बड़ा भाई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका बड़ा भाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे यूनिट्स हम यूज करते हैं। फिर ये सब जीआर को अभी आप छोड़ सकते हो, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी सब प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस छोड़ दीजिए, ग्रेविटी ऑफ लाइट छोड़ दीजिए। इसका मानना ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाजू में उसकी अपनी एक फील्ड होगी, तो वहां से जब लाइट ऐसे बेंड होके जाएगा ऐसे समथिंग, ये सब चीजें इसको छोड़ सकते। ये क्वासार आप यहाँ से सीधा पढ़ लीजिएगा, इसमें ये बीएचयू वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, जैम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे ये सारी चीजें डिटेल में लिखी है और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको हर चीज। अभी हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज को देखेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और वो सब चीजें। एक चीज, जैसे हमने वीडियो के शुरू में बात किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जहाँ पे हम एक दूसरे के रिलेशन में बात कर रहे थे कि कैसे होता है क्या होता है, तो अगर हम इस चीज को काफी पीछे लेके जाए, अगर हम 1600 या 1700 की बात करें जहाँ पे फिजिक्स इतना डेवलप नहीं था, जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नॉर्मल आइज से और नॉर्मल चीजों से, नॉर्मल इक्विपमेंट से, उसी को हम सही मानते थे क्योंकि वो चीज महसूस होती थी। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर बस से ट्रेवल कर रहे हो और बस आगे जा रही है और आपके साथ साथ कोई बाइक वाला भी जा रहा है, तो
आपको पता है कि ये बाइक वाला हमें पीछे जाते हुए दिखता है, या फिर अगर आप इस डायरेक्शन में बस से जा रहे हो और एक बस इस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको लगता है कि ये बस जो है वो काफी तेजी से जा रही है। ये सब चीजें आपने ऑब्जर्व की है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो बेसिकली हम वहां पे वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ये मेरी बस की वेलोसिटी माइनस से बाइक की वेलोसिटी, बाइक को डैश दे देता हूँ, ये देखते हैं। इसकी वजह से ये आपको उतनी स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखता है जितना ये डिफरेंस होता है। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो तो वी बस प्लस वी ये दूसरी बस, तो हमें उस डबल इफेक्ट से वो दिखता है। ये ट्रेन में तो काफी देखा होगा आपने कि आपके बाजू से अगर कोई ट्रेन जाती है, मतलब आपके बाजू से, मतलब आप भी ट्रेन में बैठे हो और आपके बाजू से भी एक ट्रेन जा रही है, तो उस टाइम पे दूसरी ट्रेन काफी तेजी से निकल जाती है। ऐसा लगता है कि अरे कितनी जल्दी चलेगी वो ट्रेन। तो ये चीज इसी वजह से होती है। तो ये है यहाँ पे बेसिकली गैलीलियन, मतलब ये चीजें आपने देखी होगी और यही चीज उस जमाने में भी देखी थी, और उस टाइम ये सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, तो उसके नाम से हमने इस चीज को लिखा। अब देखिए जब ये 1600-1700 की हम बात करें तो उस टाइम चीजें कैसी थी कि आपका मास एब्सोल्यूट है, टाइम एब्सोल्यूट है, लेंथ एब्सोल्यूट है। तो टाइम मेरा एब्सोल्यूट है, मैं कोई भी इनर्शियल फ्रेम को चेंज करो टाइम मेरा सेम लगेगा। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो मेरे वाई और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक्स में क्या चेंज आएगा? तो एक्स में चेंज आएगा कि जो मेरी फ्रेम मूव कर रही है वेलोसिटी से, उतना डिस्टेंस को मैं माइनस करूंगा जो कि मेरा डिस्टेंस होगा। जैसे अगर ये मेरा एस फ्रेम है और ये एस प्राइम फ्रेम है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कुछ एक्स डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे वो डिस्टेंस एक्स प्राइम होगा, और ये एक्स प्राइम कितना होगा? एक्स माइनस वी टी, क्योंकि ये वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और उस ट्रेवलिंग में इसको टाइम लगा टी। तो ये एकदम इजीली निकल के आया। बट जैसे जैसे हम आगे आए, आगे आए मतलब पीछे बैठे थे, आगे निकल के आए ऐसे नहीं, आगे मतलब टाइम जैसे आगे बढ़ा, तो इन चीजों के बीच में कुछ रिलेशन निकल के आया कि पता चला कि पोजीशन नाम भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है, मास एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो फिर इन्हीं चीजों में कुछ करेक्शंस किए, जैसे जो गैलीलियो ने बताया कि एक्स प्राइम जो होता है एक्स माइनस वी टी होता है, तो यहां तक मान लिया, लेकिन इसको एक गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये गामा आपका वही है 1/√1 − v² / c². और अगर ये कब है, जब मैं x में मूव कर रहा हूँ, y और z में मूव नहीं कर रहा हूँ, और t को क्या चेंज हुआ, t प्राइम और t इक्विवेलेंट ना होते हुए vx/c² और ये सब चीजें निकल के आ गई। अभी क्या एक क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कभी y और z में ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी? तो इसका आंसर है, अगर आप y में मूव करते हो तो ये चीज निकल के आएगी y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस वी टी अपॉन √1 − v² / c². अगर आप z में मूव करते हो तो ये चीज z प्राइम के लिए निकल के आएगी। लेकिन हम फॉर सिंपलिसिटी कंसिडर करते हैं कि हम खाली x में मूव करते हैं, और नॉर्मली x ही ज्यादा यूज में आता है, तो हम उसी को रेफरेंस लेके सॉल्व करते हैं चीजों को। ऐसा नहीं है कि y और z में कभी नहीं होगा। अगर कोई y में मूव कर रहा है तो उस केस में x और x प्राइम सेम रहेगा, z और z प्राइम सेम रहेगा। कोई z में मूव करता है तो x और x प्राइम कांस्टेंट रहेगा, y और y प्राइम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्म भी है, जैसा नॉर्मली हम देखते हैं इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, कि अगर इनवर्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज होगी, तो जहां पे माइनस किया था वहां प्लस कर दिया। और नॉर्मल आपको वेलोसिटी एडिशन पता है, जैसे क्लासिकली आपको वेलोसिटी एडिशन पता है कि जो अभी मैं बता रहा था आपको कि बस का एग्जांपल लेके, कि इस डायरेक्शन में जा रही है और कोई बस इस डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो हम वहां पे क्या लिखते थे, टोटल वेलोसिटी किसी भी इसकी क्या आएगी, v1 + v2
बट रिलेटिविटी के केस में ये स्पीड जो होती है ये कंपेरेबल होती है सी से। तो इन दैट केस अगर आप दो स्पीड को ऐड करते हो तो आपकी स्पीड सी से ज्यादा निकल के आएगी, और जो कि कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस केस में हमने करेक्शन इस फॉर्म में किया, वी एक्स प्राइम प्लस एक्स, और ये एक्स प्राइम और वी एक्स को कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप वी प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस मतलब वी एक्स और ये सब कर सकते हो, इससे भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो यहीं से आए हैं। ये जो फॉर्मूलाज है इनको आप डिफरेंशियल कीजिए, जैसे मैं आपको नीचे लिखवा के दिखा रहा हूँ। एक्स प्राइम आपको पता है कि एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और एक चीज पता है आपको, टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। आप इसको डिफरेंशियल कीजिए, क्या आएगा आपका, डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय, मैं इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए गामा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी टी माइनस वी बाय सी स्क्वेयर, क्योंकि ये वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, और इसके साथ साथ डी एक्स, और इसको भी साथ में आएगा गामा। अब इसका लीजिए आप रेशियो, डी एक्स प्राइम बाय डी टी प्राइम क्या है, गामा से गामा कैंसिल हो गया, डी एक्स माइनस वी अपॉन डी टी माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, डी टी को कॉमन कर लीजिए, डी टी को जब आप कॉमन करेंगे यहाँ पे हाँ डी टी आएगा, डी टी को अगर आप कॉमन करते हो तो आपका आंसर आएगा डी एक्स बाय डी टी माइनस वी अपॉन वन माइनस वी बाय सी स्क्वेयर डी एक्स बाय डी टी। इसको जब, और आपको ये पता है ये होता है आपका वी एक्स माइनस वी अपॉन वन माइनस वी वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर, और ये आपका हो गया वी एक्स प्राइम। इसी फॉर्म में आप बाकी सारे चीजों को डिराइव कर सकते हो। और अब ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि मोमेंटम और एनर्जी के फॉर्म में, आपने टाइम और पोजीशन के फॉर्म में ऊपर देखे थे, मतलब पोजीशन मतलब एक्स, अभी ये आपके निकल के आए हैं मोमेंटम और एनर्जी के फॉर्म में, सेम चीजें हैं। और ये सारे चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारे इनवेरिएंट वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये ऊपर लिखे हुए हैं कि लॉरेंट्ज इनवेरिएंट क्या क्या होते हैं, तो चार्ज ई डॉट बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और पी म्यू ये सारे आपके जो है इनवेरिएंट चीजें हैं। और इसमें एक चीज है एक्स्ट्रा की जो है फोर वेक्टर्स की, ये एग्जाम बीएचयू वगैरह में पूछा जाता है, बीएचयू डीयू जैसे एग्जाम में, जैम में ये नहीं पूछा जाता है, बट आप देख लीजिए फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस कि पोजीशन वेक्टर आपको पता है एक्स वाई जेड, और तीसरा जो होता है सी टी, तो इसको हम आयोटा के साथ लेते हैं, ऐसे फोर पोजीशन में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फोर मोमेंटम फोर फोर्सेस। अब एक चीज मैं बोल दूं कि ये जो है डीएस, इस डीएस को इस तरह से लिखा जाता है, डीएक्स स्क्वेयर डीवाई स्क्वेयर डीजे स्क्वेयर माइनस सी टी डी टी स्क्वेयर, ये है आपका लेंथ एलिमेंट। और ये भी आपका इनवेरिएंट होता है, किसमें, लॉरेंस इनवेरिएंट, और इसके साथ ये सारी चीजें आप देख सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में था ये सारी चीजें। आशा करता हूँ कि एसटीआर आपको ठीक ठाक वे में समझ में आया है। इसके ऊपर आप बायजर को पढ़ सकते हो या किसी और बुक को पढ़ सकते हो। जैसे मैंने दो बुक बताई थी, एक नोलान की बुक बताई थी और एक बायजर बताई थी। आप इन दो में से कोई भी बुक पढ़ सकते हो, दोनों बुक काफी अच्छी है। प्रेफर कीजिए बायजर पढ़ने के लिए, और इसके क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हो। बायजर के शुरू के कुछ चैप्टर्स, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपने कवर कर रखा है, तो आप उस बुक को सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन मैनुअल भी आता है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ भी सकते हो। तो अब आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखते हैं कौन सा नया टॉपिक के साथ हमें मिलना है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।